गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.2 का हम आज शुरू करेंगे। यानी इसका पहला क्वेश्चन में पांच भाग है, पांच भाग में दो भाग हम आज कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में आपको तीन भाग लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। जो मान हमारे सामने पहला यानी पहले क्वेश्चन का पहला भाग, पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग है। तो अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ सारणी का मान याद करना पड़ेगा, जो आपके दसवीं के क्लास के बुक में है। इसको आप यानी 8.2 एक्सरसाइज से पहले है, इसको आप मान को याद करेंगे तभी जाके अगला यानी 8.2 एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। तो आइए अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है, साइन 60 अंश का 30 अंश प्लस साइन 30 अंश का 60 अंश। अब हमें इसका भी मान याद होना चाहिए, इसका भी याद होना चाहिए, इसका भी याद होना चाहिए और इसका भी याद होना चाहिए। इन चारों जगह पे मान रखते हम हल करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान हमको याद होना चाहिए, ये होता है √2 √3/2 गुणे, इसका भी मान यही होता है √3/2। अभी जो प्लस है प्लस लगा देंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और गुणे इसका का 60 अंश का मान होता है 1/2। अब हम इसका अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हम हर में कर लेंगे। तो देखिए सेम कड़ी का सेम कड़ी में गुणा होता है, तो उसके अंदर के एक पद को जो बच्चे हम लिख लेते हैं, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे, √3 हो जाएगा। आए दो दूना चार, अभी जो प्लस है प्लस, एक एक कम एक, आए भी दो दूना चार, और दोनों का लॉस बराबर हो गया, तो दोनों का हम लोग सो ले लेंगे, 4 हो जाएगा। ऊपर जीरो करके हम लिख लेते हैं 3+1, यानी हम ऐड कर लेंगे दोनों को, यानी 4/4, ये इससे कट गया यानी 1 हो गया, यानी इतने का मान निकल गया 1 हमारा, यही आंसर हो गया। अगला इसमें इसको भी हल करने के लिए दूसरे क्वेश्चन को भी यानी पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग को हमें हल करने के लिए भी मान याद होना चाहिए। इसका 2 गुणे यानी 10 45 अंश का मान होता है 1, इसके बाद इसे हम बात कर देंगे प्लस का 60 अंश, 35 अंश का मान यहाँ लिखा गया है, तो हम यहाँ यानी √3/2 का होल वन और माइनस साइन 60 अंश का मान भी यही पीछे है √3/2 का होल वन। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 का वर्ग 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यह कड़ी का वर्ग है तो यह कड़ी हट जाएगी, इसका 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 और माइनस ये भी 3/4, ये इससे कट जाएगा, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा।